अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ उसामा यूनस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फाइव स्टार सोलर। आज हमारे साथ बड़ी खूबसूरत किस्म की हस्ती और यंगस्टर हैं और भाई इंजीनियर माशाल्लाह बन चुके हुए हैं। दाऊद भाई इनका नाम है और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ निकाली हुई है और पाकिस्तान में इस टाइम टैलेंट की भाई कमी नहीं है, सिर्फ हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई, क्या वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से। दाऊद भाई जो से आपने माशाल्लाह फाइनल ईयर के अंदर जो प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि न्यूज़ में तो आप माशाल्लाह बड़े पॉपुलर हो चुके हैं, आजकल मीडिया में भी माशाल्लाह बहुत आ रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और ज्यादा तरक्की दे, आमीन। तो जरा इससे रिलेटेड थोड़ा जरा रिव्यू हमें दें कि क्या चीज बनाई है, मेन मेन जो से आपकी हाईलाइट्स हैं। भाईजान सबसे पहले तो मैं आपकी फील्ड से रिलेटेड बात स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, माशाल्लाह आपका काम है सोलर से रिलेटेड। थैंक यू। सोलर प्लेट्स वगैरह इंस्टॉलेशन आप कर रहे हैं, सोलर चार्ज कंट्रोलर्स लगा रहे हैं, मेरा ख्याल आप नेट मीटिंग की तरफ भी माशाल्लाह आप चले गए हैं। एग्जैक्टली, माशाल्लाह आपका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये सोलर पैनल्स मैंने इंस्टॉल किए हैं, ठीक हो गया। ये शेल कंपनी के सोलर पैनल्स हैं, आपको आइडिया होगा। ठीक है, सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है सोलर मैक्स का, वो 5 किलोवाट का मैंने इंस्टॉल किया है। ठीक है, इस टाइम पे वो हमने एक बड़ा जो है इंस्टॉल कर लिया साइज में, ताकि कल को हमें कैपेसिटी ज्यादा भी करनी पड़ती है तो हम कर सकते हैं। कर लिया हुआ है सोलर, क्योंकि हमारे पास सोलर पैनल की कैपेसिटी नहीं है, हम इससे ज्यादा सोलर पैनल डिस्प्ले जो इसमें आप यूज कर रहे हैं वो कितने वाट की यूज कर रहे हैं? वो 90 वाट ईच प्लेट यूज कर रहे हैं। एफिशिएंसी वगैरह सारी निकाल के आप 90 वाट तक तकरीबन रख रहे हैं कि या परसेंटेज ऑफ करके? नहीं, परसेंटेज ऑफ करके हम कर रहे हैं, 80 टू 90 वाट आपके प्रोडक्शन। ओके, हो गया, इतनी हो रही है उस पे। वो भी डिपेंड करता है, आपको पता है कि विंटर और समर में जो सोलर एंगल है उस पे सारा कुछ, वो आपका दरअसल मैं जो देख रहा हूँ वो स्ट्रेट ही है। जी जी, तो उसका हमें एंगल का उसका भी बेनिफिट बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, हम उसको कर नहीं सकते। पहले हमने सोचा था कि हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लें, लेकिन उसके लिए सारा मैकेनिज्म डिजाइन करना था, हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने बना लिया वो आजकल के दौर में, वरना क्या नाम है जो से सिस्टम चाह रहे थे समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। नहीं, माशाल्लाह ये हमने तीन दोस्तों ने, दाऊद ने, असद ने, उमर ने, हम तीनों ने मिलकर फाइनली ये प्रोजेक्ट बनाया। बेसिकली हमने इसको नाम भी सोलर कार ही दिया। और ऑलरेडी आपके पास स्पेशल है, एक तो भाई है, दूसरा क्या नाम है, सोलर से रिलेटेड जब वर्ड है ना, मैं कह यार ये भाई की तो लाजमी बनती वीडियो। नहीं नहीं बिल्कुल, जरा क्लोज करके भाई दिखाते हैं, अंदर से भी थोड़ा दिखा रहे हैं, क्योंकि बड़ी डिफरेंट सी चीज मुझे लगी है, क्योंकि पाकिस्तान में काम ही देखने में मिलती है। इधर आपको फ्यूल वाली चीजें मिलने वाली है, फ्यूल वाली जो मर्जी ले। ये भाई मुझे इसलिए सबसे अच्छे लगते हैं क्योंकि ये टोटली फ्री एनर्जी के ऊपर है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर है, बिजली का अमल दखल नहीं है मेरे ख्याल में। बिल्कुल, अगर आप करना चाहें तो हमने अल्टरनेटली इसमें कर दिया है, एसी सप्लाई हमने इंस्टॉल कर दिया है। इनके साथ के पास सोलर लाइट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, है। आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो गई है या रात के टाइम ट्रैवलिंग है, तो आप इसको एसी सप्लाई वापडा में सिंपल 220 वोल्ट में प्लग इन करें, आपकी बैटरी चार्ज हो जाएंगी। भाई जरा थोड़ा सा क्लोज दिखाएगा दाऊद भाई, बताते हैं जो हमारे से रिलेटेड जो मुझे नजर आ रहा है उसमें सोलर मैक्स का सोलर पैनल, सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये हमने सर्किट ब्रेकर, बेसिकली इमरजेंसी स्टॉप है, इसमें हमारे सारा सर्किट जितना भी है ना, इलेक्ट्रिकल जितना भी वर्किंग हो रही है वो सारी स्टॉप हो जाती है, इमरजेंसी स्टॉप लगाया। उसके अलावा ये हमने एसी सप्लाई लगा दिया, और वो जो है हमारे पास एसी प्लग इन प्लग आउट, यहाँ पे हम प्लग इन करके इसको एसी चार्जिंग कर सकते हैं। दाऊद भाई ने कहना मैं साथ में इसके अंदर एसी का एडिशन दिया, अच्छा ऑप्शन दिया गया, अगर आपके पास सोलर का ऑप्शन नहीं है तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं। और दाऊद भाई ये क्या चीज है? ये एसी सप्लाई है, बेसिकली 220 वोल्ट्स पे, इसमें इनपुट 220 वोल्ट्स है और आउटपुट जो है ये 12 वोल्ट्स दे रही है। 12 वोल्ट्स और कितने एम्पीयर? 12 वोल्ट्स के ऊपर पर और जो है ना ये तकरीबन 20 to 25 एम्पीयर दे रही है, चार्जिंग पे दे रही है। और अगर बैटरी की बात कर ली जाए? जी जी, बैटरी जो है वो हमने 4 बैटरीज इंस्टॉल की है, ये एक बैटरी ये इंस्टॉल हुई हुई है, 3 बैटरीज जो है वो इधर पीछे वाली सीट के नीचे इंस्टॉल हुई हुई है, 4 बैटरी सीरीज में 4 चल रही है 48 वोल्ट। हम नजदीक से थोड़ा सा दिखा दें, ये डाइवो की है, टोटल 12 वोल्ट 120 एम पावर की जो इन्होंने बैटरी जो से यूज किया, टोटल 4 बैटरीज आपने लगाई? 4 बैटरीज ठीक हो गया, 4 बैटरीज हो गई हैं। दाऊद भाई एक चीज मुझे इसमें कंफर्म कीजिएगा कि जो आप इसमें मोटर यूज कर रहे हैं जी जी, वो कितने वाट की है, मतलब टॉर्क कितना बर्दाश्त कर सकती है? मोटर जो है उसकी स्पेसिफिकेशंस हमने मोटर मार्केट से एज इट इज उठाई है, ये चाइनीज मोटर है, डिफरेंशियल माउंटेड मोटर है, ये बेसिकली BLDC ब्रशलेस मोटर है जो कि 1500 वाट की है, मतलब 1500 वाट इसकी आउटपुट है। और मैक्सिमम आप क्या समझते हैं ये स्पीड कितना दे सकती है आपको? ये विद 1000 kg जो है ना 30-35 अटेन कर लेती है। बड़ा साइज हमने डिजाइन 1000 के हिसाब से, हाँ जी 1000 kg, 4 लोग अगर बैठते हैं और उसके अलावा गाड़ी का अपना भी वेट है, बाकी सब चीजें भी इंक्लूड करके 1000 kg पे जो है ना ये 30-35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल जाती है, और इसकी जो रेंज है वो 40-50 किलोमीटर है। ठीक है, और जो मुझे जिस तरह ये डिस्प्ले में नजर आ रहा है जी जी, दिखाइएगा ये डिस्प्ले के बारे में थोड़ा सा जरा बताइएगा। डिस्प्ले में ये डिजिटल मीटर है, इस जगह पे हमें बैटरी वोल्टेज शो हो रहे हैं,
हमारी मोटर जो है वो 48 वोल्ट पे जो है ड्राइव हो रही है, मतलब 12 वोल्ट की चार बैटरीज हैं सीरीज में लगी हुई है, तो 48 वोल्ट हो गए। इस टाइम पे आप देख सकते हैं 50 वोल्टेज जो है शो हो रहे हैं, इसका मतलब है कि बैटरी फुली चार्ज है। आप सेल भी देख सकते हैं, सेल भी इस टाइम पे फुल है, फुल शो हो रहे हैं। यहाँ पे स्पीड शो हो जाती है डिजिटल, यहाँ पे ऑडोमीटर है, ये टेम्परेचर शो हो रहा है। टेम्परेचर ये एग्जैक्ट इसका आपको बैटरी का बता रहा है कि नहीं नहीं, ये एटमॉस्फेयर का बता रहा है, आउटसाइड मतलब आउटसाइड जो आउटसाइड टेम्परेचर बता रहा है कि इस टाइम पे क्या है। ठीक हो गया। और जिस हमें नजर आ रहा है सोलर मैक्स का MPPT है और डीसी ब्रेकर ने साथ में दिया हुआ 32 एम्पेयर का, और एक अदर सप्लाई दी हुई है 12 वोल्ट 20 एम्पेयर तक से आगे आके आउटसोर्स कर सकती है, और ये आपका एसी फ्यूज हो गया है। और बाकी क्या नाम है, अभी ये जो सी मेन चीजें हो गई, अभी हम ड्राइव एक लेके देखते हैं भाई के साथ ही, देखते हैं और किस तरह का मजा आता है। आ जाए साथ आप भी। गाड़ी में बैठ गए, खुली डुली बड़ी है भैया, मजेदार चीज है। देखें हमने आवाज नहीं, हमने इसको डिजाइन ही जो है ना इस तरह किया है, हवादारी किया है, पाकिस्तान में काफी आम चीज यही है क्यों ना। मैं देखें एक तो आपकी एनर्जी नहीं लग रही, आपकी एसी फ्री हो गया, आपको वो टेंशन नहीं है, बिजली का बिल नहीं आने वाला भैया, और देखें आपको हर तरफ से हवा लग रही है, और आपको क्या चाहिए यार पाकिस्तान में। बिल्कुल ये फ्री है, इको फ्रेंडली है, ये जो स्पीड हमें बता रहा है ये उसके हिसाब से एग्जैक्ट है? नहीं अभी एग्जैक्ट नहीं है, ये थोड़ा सा मेल फंक्शन कर रहा है, इसकी वायरिंग में थोड़ा सा इशू आ गया था। ओके, तो ये अभी मेल फंक्शन कर रहा है, ये एग्जैक्टली जो है ना अभी ऑपरेट नहीं हो रहा। ठीक, मतलब ये इसको भी हम सेट कर रहे थे, जितना मैं देख रहा हूँ 48 41 इसके राउंड बोर्ड चल रही है अभी। जी जी, तो अगर हम इसको थोड़ी लॉन्ग ड्राइव पे ज्यादा लेके जाते हैं या अगर टॉर्क थोड़ा सा ज्यादा देते हैं, जी जी, तो क्या चार पैनल क्या नाम इसको बैटरी को प्रॉपर चार्ज कर सकेंगे? पैनल्स जो है वो बैटरीज को चार्ज तो कर रहे हैं, बैटरी बैंक लगाने का बेसिक एम ही ये है, क्योंकि देखें अगर हम 1500 वॉट की मोटर को डायरेक्टली सोलर पे चलाते हैं है। तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इतना ज्यादा सोलर पैनल ऊपर इंस्टॉल कर सकें। राइट, इसीलिए हमें उसके लिए बैटरी बैंक चाहिए ही चाहिए। बैटरी बैंक से बेसिकली जो है ना वो एनर्जी कंज्यूम हो रही है मोटर के लिए, लेकिन सोलर जो अल्टरनेटली उसको चार्ज करता जा रहा है। ये लॉन्ग ड्राइव के लिए तो गाड़ी है नहीं है, आप इसको 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर ड्राइव कर लेते हैं, उसके बाद आपने जिस जगह पे स्टे करना है वहाँ पे जाके आपकी फिर चार्जिंग हो रही है, उसके ऊपर आके और अगर रात का टाइम है आप उधर जाके इसको चार्ज कर सकते हैं, एसी के साथ, एसी करंट के साथ, वापडा के साथ चार्ज कर लें, गुड हो गया, आपकी ड्राइव जो है ना कम्प्लीट हो जाए। जबरदस्त। अच्छा दाऊद भाई, एक टेक्निकल सवाल दूसरा करता हूँ कि आपने चार बैटरीज 120 एम्प आवर किसके अंदर रखी है? ठीक हो गया। पैनल अगर मैं मोस्टली अगर काउंट करूँ तो 380 वाट 370 वाट से ज्यादा की प्रोडक्शन नहीं दे सकते, नहीं दे सकते जो ज्यादा ज्यादा, वो भी अगर फुल वेदर क्लियर है, क्लियर होगा, एसी सोर्स हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना होगा। तो अब सवाल ये कि जो चार बैटरी हमने 120 एम्प आवर किसके अंदर लगाई है, अगर हम उनकी कॉस्ट निकालते हैं, ज़ाहिर सी बात है आपने एसिड बैटरी यूज की है, लिथियम आयन वगैरह नहीं है इसमें, तो इसकी जो से हमें कॉस्ट पड़ने वाली है, साल डेढ़ साल के बाद तो बैटरी जो डैमेज होना शुरू हो जाएगी, मतलब उसकी वर्किंग जो वो कम हो जाएगी। बिल्कुल, उसका आपने क्या सलूशन आगे रखा है? उसका सलूशन ये रखा है कि देखिए फॉर एग्जांपल आपने जितनी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो इसको मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है तो हम इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स दे सकते हैं, डिफरेंट मामला कर सकते हैं, ठीक है, आप बैटरी अपनी मर्जी से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज जो मेन इसमें ये है कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करके अगर कोई गाड़ी भी लेनी है तो आपने ये अगर बैटरी डेढ़ साल दो साल निकाल जाती है, डेढ़ दो साल में उस गाड़ी की कितनी मेंटेनेंस होनी है, उसका फ्यूल लगना है, उसका ऑयल चेंज लगना है, ठीक है, उसका इन सब बैटरी से कॉस्ट ज्यादा आपको पड़ जाएगा, ये प्लस पॉइंट आपका जरूर है। लेकिन आप एक सवाल बोर भी आया था ना कि जिस हिसाब से क्या नाम है रेशियो ऑफ इस टाइम प्राइस इंक्रीज हो रही है, उधर से बैटरी की प्राइसेस भी तो इंक्रीज हो रही है। जी जी, क्योंकि वो आपकी बात ठीक है, मैं समझ रहा हूँ इस चीज को, अगर मार्केट में हम इसको लेके आते हैं तो जाहिर सी बात है इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, लिथियम बैटरी के तो चल जाएंगे, क्योंकि उसकी जो सी लाइफ साइकिल है वो राउंड अबाउट 7 से 8 साल आराम से आपकी बैटरी निकाल देती है। एसिड बैटरी हमारी मैक्सिमम 1.5 से 2 साल से ऊपर नहीं जाती, बाकी आपके यूजर्स के ऊपर डिपेंड है। तो स्पेशल आपने डिजाइन किस मकसद के लिए किया हुआ है, कि कोई स्पेसिफिक एरिया के लिए या कोई टाउन टाइप या सिटी के अंदर? बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ये हमने एक इंडस्ट्री के लिए प्रोटोटाइप बनाया, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी कि हमें एक गाड़ी चाहिए जो विद इन प्रीमिसेस राइड करने के लिए, ड्राइव करने के लिए फिजिबल हो, ठीक है। ये गाड़ी फॉर ऑन रोड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑन रोड आने के लिए आपको बहुत सारी चीजों के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है, ट्रैफिक के कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग इसकी तो पूरी नहीं है, ऑन रोड नहीं कर सकते, ये विद इन प्रीमिसेस के लिए है, कोई पार्क है या कोई
स्पेसिफिक एरिया आपने डिजाइन कर दिया कुछ के अंदर आपका यूज हो रहा है। बिल्कुल, इसीलिए पार्क हो गया या कुछ भी हो गया, बिल्कुल ऐसे टाइप हो गया, बिल्कुल ऐसे ही। उसी के लिए ही हमने इसकी स्पीड भी जो है ना वो यही डिजाइन किया कि हम इसको स्लो। और जिस तरह का व्यू नजर आ रहा है मजेदार तो आ रहा है, स्टम्प क्योंकि लाहौर का व्यू भी अच्छा हो गया, क्या नाम है, बादल बुदल आ गए हुए हैं, लेकिन माने मैं पर्सनली खुद बैठा हुआ हूँ, इसमें कोई गलत बयानी नहीं है। जिस तरीके से आपको हवा लग रही थी ना गाड़ी में, नहीं आपको भाई वो लगने वाली, क्योंकि चारों तरफ से खुली है और आप इंजॉय कर रहे हो, तो यकीन माने फैमिली के साथ अपना इंजॉय करता है। अगर आप इस बार वगैरह में जा रहे हैं, जिस तरह दाऊद भाई ने बात की है कि ये सिटी के अंदर चलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन नहीं है इधर सिटी में वो चलाने वाली, लेकिन अगर फैमिली के साथ आप वैसे इंजॉय करना चाहते हैं तो आउट क्लास चीज है। तो दाऊद आप समझते हैं मैक्सिमम चार बंदे इजिली हैंडल कर रही है, बिल्कुल चार से पांच भी कर रहे हैं, इजीली कैरी करेगी, मोटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होने, हीटर वगैरह कोई सीन ऐसे नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं। और अभी तक आपने इसके ऊपर टेस्ट मैक्सिमम कितने किलोमीटर तक किया है? हमने इसको 50 किलोमीटर तक टेस्ट किया, जो आपने टेस्ट कर चुके हैं और इसके अंदर पास विद वन गो, जबरदस्त वन गो में 50 किलोमीटर हम कर चुके हैं। ठीक है, और वो टोटली सोलर बेस के ऊपर था कि आपने साथ में? नहीं, आप समझते हैं अगर हमने इसको फुल 40% ड्रेन कर दिया हुआ है तो उसकी ड्यू रही है, तो पैनल्स कितने टाइम के अंदर हमें ये चार्ज कर देंगे? फुल धूप है, फुल धूप में मैक्सिमम 5-6 आवर्स में कर दें अगर फुल ड्रेन होगी, फुल ड्रेन के अंदर ड्रेन होगी तो। और जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं साथ में इसका पैनल भी उस तरह प्रोडक्शन अपनी दे रहा है। अभी आप देखें मैंने इसको पूरा टॉर्क नहीं, मैंने इसको थ्रॉटल पूरा नहीं दिया हुआ, राइट? ठीक है, मैं स्लो थ्रॉटल पे चला रहा हूं, स्लो थ्रॉटल पे इस टाइम पे कंजम्पशन कम है, इनपुट ज्यादा है, धूप निकली हुई है, सोलर से चार्जिंग हो रही है, एग्जैक्टली। वो इसके अकॉर्डिंग हमारी ड्राइव पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह की ड्राइव कर रहे हैं। अगर हम चार लोग बैठे होंगे तो ऑब्वियसली आउटपुट ज्यादा होगी, थ्रॉटल ज्यादा हो रहा है, फोर्स ज्यादा लग रही है, तो उसके अकॉर्डिंग सोलर की 1500 वाट की मोटर है वो बैटरी से ड्रेन ज्यादा करेगी, सोलर में इतनी पावर नहीं है। आपने पहले बात बताया कि अगर सोलर बढ़ाते हैं वो तो आपको पूरे का पूरा रूफ टॉप आगे और बढ़ाना, बिल्कुल बढ़ाना पड़ जाता है, और वो हमारे पास स्पेस इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन हम इंशाल्लाह अगर इसको मजीद एनहांस करना चाहें तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है, जो फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल पैनल जरूर आ गए, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा, क्या नाम है फिर हमें? देखिए कॉस्ट तो बन जाएगी, कॉस्ट तो पड़ जाएगी, लेकिन उसमें आपको जो दो बेनिफिट हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं, एक तो उनकी लाइफ ज्यादा, ठीक है, फिर दूसरा उसकी डैमेज होने की जो चांसेस हैं वो कम है। इसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई पत्थर गिर जाता है, कोई चीज हो जाती है, डैमेज हो गया। सर आपने पहले बात बताया कि स्पेसिफिक एरिया के लिए, क्योंकि अगर जिस तरह के हमारे पाकिस्तानी बच्चों के अगर हाथ चढ़ गई तो ये तो भाई नहीं रहने वाला। तो यही चीज है ना कि फ्लेक्सिबल पैनल हो जाएगा तो उसमें ज्यादा चीज बेहतर हो जाएगी, बचत है उसमें, और उसके अलावा उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है। ये अगर चार पैनल लगाए हो सकता है मुझे फ्लेक्सिबल जो है वो 2-3 में काम मेरा चल जाए ज्यादा वोल्टेज में। इसमें जो गाइस का नाम है, जो मैं मेन बात करूँ, बेसिकली ग्लास टेक्नोलॉजी के ऊपर ग्लास लगा हुआ है, क्योंकि इसकी अगर हम मैक्सिमम एफिशिएंसी लें तो 45-50% से ज्यादा नहीं मिलने वाली। जो इस टाइम एन टाइप टेक्नोलॉजी जिनको बना रहा है कनेडियन, बाकी चीजें बना रहे हैं, एन टाइप टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर सेल्स की एफिशिएंसी 1% बढ़ाई गई है, तो राउंड अबाउट हम 20-21% पैनल की एफिशिएंसी है जो उसी वो बता रहे होते हैं, तो ये पैनल उससे ज़रा डाउन है। तो बात दाऊद भाई सही कह रहे हैं, अगर फ्लेक्सिबल लगाते हैं सारी उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो इसमें अगर मार्केट में अगर इसकी वर्थ अच्छी बनती है, क्योंकि हमारे इधर माफिया बहुत बैठा हुआ है जिसकी वजह से इशू बहुत मार रहे होते हैं, अदरवाइज क्या ना जिस तरह की चीज़ बन रही है और पाकिस्तान में टेक्निकल चीज़ें और टैलेंट है ना, यकीन माने हम दुनिया को काट सकते हैं, लेकिन वजह यही है कि हमें प्रमोट नहीं किया जाता। अगर बंदा कोई अच्छा काम कर रहा है तो 10 लोग उसको ना नेगेटिविटी की तरफ लेके आ जाते हैं कि भाई यार ये क्या बना दिया है, क्योंकि तो आपको भी स्टार्टिंग में बड़े डिफरेंट तरीके से लोग देख रहे हैं यार ये क्या चीज़ ले आए आप, क्योंकि चलती चीज़ देखी नहीं ना इस तरह की। बिल्कुल, इस तरह की चीज़ें कुछ अवेलेबल हैं, पार्क्स वगैरह में अवेलेबल हैं, होटल्स में अवेलेबल हैं, ठीक है, वो बगी स्टाइल में है, जिस तरह गोल्फ क्लब में भी चल रही हैं, लेकिन वो सारी आ रही हैं बाहर से, चाइना से इम्पोर्ट हो रही हैं, ये मेड इन पाकिस्तान है, सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है। कुछ टोटली आपने बनाई है, और सबसे अच्छी चीज ये है कि यार एक दो पार्ट्स दिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग्रुप मेंबर्स ने माशाल्लाह बनाई है, एक दो पार्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट हुए हैं, लेकिन अगर हम फर्दर इसको करते हैं तो हम उन चीजों को भी, अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें तो पेंसिल भी हमारी चाइना से आ रही होती है, वो भी हम इधर बनाते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी, मैं यार आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप पाकिस्तान में रहते हुए आपने मेड इन पाकिस्तान की चीज बनाई है, वरना कंडीशन नहीं है इस तरह की। लोग ये करते हैं बाहर से मंगाओ, यार हमने एक प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिया, मुझे इस चीज की खुशी बड़ी। लेकिन देखें जिस इंडस्ट्री के पास हम गए थे उन्होंने हमें यही बात की थी कि हम बाहर से गाड़ी इंपोर्ट कर तो लें, लेकिन वो अबव 2.53 मिलियन पड़ रही थी उनको, टू मच, ठीक है, तो वो उन्होंने कहा जी क्यों ना हमें कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी पाकिस्तान में बन के मिल जाए। अगर प्राइवेट सवाल पूछ लेता हूँ,
बताना मुनासिब नहीं होता, लेकिन ओवरऑल मैं इस टाइम राइड ले रहा हूँ, यकीन मजा आ रहा है और मुझे फील नहीं हो रहा इस तरह का कुछ ना सीन है कि आप इलेक्ट्रिक में बैठे आपको डिफरेंट सी फीलिंग आ रही हो यार ये किधर मैं बैठ गया, कोई आवाज नहीं कोई कुछ नहीं, इवन कि आपको राइट लेफ्ट की आवाजें आ रही होंगी। तो ग्रीन एनर्जी मेरा बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यार ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए, सोलर से रिलेटेड हो या वट एवर जिससे मर्जी रिलेटेड हो, लेकिन टेक्नोलॉजी लेटेस्ट लेके आनी चाहिए। थोड़ा सा आपको भी तो लास्ट दिखा दूँ आपको क्लोज से, ये देखो जरा ये एमपीपीटी है जो आपको क्लोज नजर आ रहा होगा, 48.8 के ऊपर आपको ये बैटरी खड़ी है और इस टाइम धूप नहीं है और 70 वाट धूप नहीं है, क्या नाम है वो एफिशिएंसी दे रहे हैं और साथ में आपको वोल्टेज आ रहे हैं। ये आपको क्लोज थोड़ा सा दिखा रहे देखिए 1.4 1.5 सिस्टम सोलर जनरेशन दे रहा है और 53-54 वोल्टेज जो है सोलर जनरेशन दे रहा है, माशाल्लाह आउट क्लास रिजल्ट है। और अभी क्लाउडी वेदर हो गया है और आप देख भी सकते हैं, देखें अभी जो सिस्टम से आम बंदे हैं वो भी कैन अप्रिशिएट करके गए, जैसे आपको नजर आ रहा होगा इस टाइम आपको नजर आ रहा होगा क्या नाम है भाई जान इस टाइम वो बिल्कुल नहीं, और फिर भी माशाल्लाह एमपीपीटी का मकसद मैक्सिमम यही होता है कि मैक्सिमम पॉइंट ट्रैकिंग आपका सिस्टम है सोलर का ताकि आपको जनरेशन ज्यादा से ज्यादा। तो मैं पैनल दिखा दूँ, ये जो से बेसिकली 120 वाट के पैनल है टोटल चार, ये आपको पैनल के ऊपर से व्यू रह गया था दिखाने वाला वो भी मैं दिखा दूँ, और यहाँ तक कम्प्लीट है और जिस तरह आपको फ्रंट नजर आ रहा होगा लाइट्स है यूसीपी से भाई की इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई है तो इनका आखिरी है, तो आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रहा हूँ बस। टायर्स हो गए आपके जदीद और ये बेसिकली जो सी है मोटर है वो नीचे लगी हुई है, आपको थोड़ा सा मोटर का व्यू दे रही है, ये देखें ये 1500 वाट की जो सी आपकी मोटर है वो इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, तो इस टाइम सारा टॉर्क जो सा सिस्टम का उठा रही है। पहले मैं फ्रंट पे बैठा हुआ था तो फ्रंट की हवा लेके मजे ले रहे थे, अब बैक वाली हवा के मजे ले रहे तो आउट क्लास चीज बनाई है दाऊद भाई ने यार, अप्रिशिएशन है और उनको सलूट है भाई को, लेकिन मैंने इन्होंने फर्स्ट ट्राई की और फर्स्ट ट्राई के ऊपर इनका आउट क्लास रिजल्ट आया है, फ्रंट से भी दिखा रहा हूँ देखें भी जिस तरह चल रही है, और यार हल्का सा भी फील नहीं हो रहा कहीं पे भी, यार मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा भाई हमारे, तो यकीन मैंने यार इंजॉय हो रहा इस टाइम कि आप वो आपको ना पुराने दौर की बग्गी टाइप का उसका भी इंजॉय आ रहा, फीलिंग सारी की सारी इसमें कंबाइन कर दी है, दाऊद भाई ने समुंदर को कूजे के अंदर बंद कर दिया हुआ है। देखें सबसे अच्छी चीज़ है कि ऊपर आपको पैनल्स नजर आ रहे हैं, सेफ्टी का खास तौर पर ध्यान रखा गया, वायरिंग अच्छे तरीके से जो है वो डक्टी के अंदर की गई है, फ्लेक्सीबल पाइप लगाया गया है आपको नजर आ रहा है, और इस टाइम देखें धूप बिल्कुल नहीं है और ये फिर भी जनरेशन दे रहा है इस टाइम और चार्जिंग के साथ प्लस सोलर के साथ इस टाइम पे भी अभी भी 70 वाटेज जो है ना वो जनरेशन दे रहा है, जनरेशन में दो से विदाउट सोलर लाइट विदाउट सोलर क्लाउडी वेदर में 60 वाट फिर भी आ रहे हैं, है ना आउट क्लास चीज देखें, और आपको बैक से भी दिखा दें और मेरी दुआ अल्लाह ताला इनको और ज्यादा कामयाब करे और ये इस तरह की टेक्नोलॉजी और भी लेके आते जाए तो भाई और मजेदार चीज है। जी हमने राइड का तो खूब मजा ले लिया है और इंजॉय हुआ है और बहुत अच्छी चीज बनाई है प्योरिटी है ले दो भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया, और ये स्पेशल भैया गुजरांवाला से स्पेशल इधर आए हैं लाहौर में इस काम के लिए, कुछ ज्ञान मैंने उसको देना था और भाई स्पेशल आके दिखा रहे हैं और इतना टाइम दे रहे हैं, यकीन मैंने लोग टाइम नहीं देते क्योंकि टाइम इज़ मनी और भाई अपनी मनी दे रहे हैं हमें, इससे बढ़ के और क्या चाहिए, तो मेरी दुआ अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा ढेर सारी तरक्की दे और बाकी आपके मैं नंबर भी डाल दूंगा, तो अगर कोई बंदा तंग करे तो काइंडली इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा क्योंकि मेरी वीडियो के वजह से काफ़ी लोग आपसे टच भी करेंगे क्या बनाया किस तरीके से, बाकी भाई मैं वीडियो में ज़्यादा दे चुका हूँ डिटेल, भाई को ज़्यादा तंग मत कीजिएगा क्या नाम है, भाई बाद में मुझे कॉल करके कहें कि यार ये केस किसको नंबर दे दिया था आपने, तो यार आउट क्लास चीज़ है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला कहना यार हम सबको तरक्की भी अता फरमाए और जो हालात चाह रहे हैं उसमें भी बेहतरी अता फरमाए, और इस तरह की जो सी चीज़ें बना रहे होते हैं यार इसमें ना बंदा बेहतरी की तरफ जाता है क्योंकि हर बंदा तंग आ चुका हुआ है, तो फ्री की तरफ जाना चाहिए हमें, इस टाइप की चीज़ें और भी बनती हैं इसको मॉडिफिकेशन करके थोड़ा और एडवांस किया जाएगा, तो अल्लाह ताला हमें फास फरमाए हमारी और जो हालात हैं उसकी भी अल्लाह ताला हाफ़िज़, तो लें दाऊद भाई थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मुलाकात होती है, ये आज की वीडियो हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है, इजाज़त दें चलो नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रबल शूटिंग के साथ मुलाकात होगी, तब तक देंगे अल्लाह हाफिज़। ठीक है तो हां हां ठीक है जाओ चलिए।